तो वेलकम बैक टू द मेडिकल जानकारी यूट्यूब चैनल। कोलेस्ट्रॉल की बीमारी को सभी को पता है कि कोलेस्ट्रॉल से होने वाली प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती है। कोलेस्ट्रॉल की वजह से ही आपको हार्ट अटैक की समस्या हो सकती है, ब्लॉकेज आ सकती है, मोटापा वगैरह की कई सारी बीमारियां आपको कोलेस्ट्रॉल होने की वजह से हो सकती है। मुख्यतः कारण होता है कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का आपका स्पाइसी खाना खाना, ब्लड क्लॉटिंग हो जाना, स्पाइसी डायबिटिक होना, मोटापा बढ़ जाना, अल्कोहल या धूम्रपान जैसे आप अगर स्मोकिंग वगैरह का आप यूज़ करते हो तो उसकी वजह से आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो होता है वो बढ़ सकता है। आपकी बॉडी में बेसिकली दो प्रकार का कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो मौजूद होता है, LDL एंड HDL। LDL यानी बैड कोलेस्ट्रॉल, HDL यानी गुड कोलेस्ट्रॉल। गुड कोलेस्ट्रॉल तो बहुत ही अच्छा है, अगर जितना ज़्यादा बढ़े तो उतना अच्छा है, लेकिन ओवरली नहीं होना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल के बारे में ऑलरेडी आपको रिपोर्ट भी दे चुका हूँ कि कोलेस्ट्रॉल की रिपोर्ट कैसे कैसे होती है। बेसिकली से इसका जो सैंपल होता है वो खाली पेट लिया जाता है, लिपिड प्रोफाइल के नाम से इसका टेस्ट होता है 400 से 500 रुपए का। सो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कोलेस्ट्रॉल के लिए आपको कौन सी दवाई का यूज़ करना चाहिए। बेसिकली दवाइयाँ दोनों प्रकार से होती है, वैसे तो कई होती है आयुर्वेदिक होम्योपैथिक, लेकिन कॉमनली जो चलता है एलोपैथिक एंड आयुर्वेदिक ही चलता है। तो इसमें वीडियो में एलोपैथिक दवाइयाँ आपको नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि वो आगे चलकर आपको नुकसानदायी हो सकती है। तो इस वीडियो में आपको बताऊँगा एक आयुर्वेदिक दवाई के बारे में जो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में मदद करेगा। एक प्रकार का दवाई नहीं है, जूस के रूप में आप इसका यूज़ कर सकते हैं, जिसका नाम है कृष्णाज कोलेस्ट्रॉल केयर जूस। बेसिकली एक आयुर्वेदिक है एंड सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं नेचुरल तरीके से इसमें डाले गए हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे किस तरीके से आपने इसका यूज़ करना है, क्या इसका साइड इफेक्ट्स होता है, डोजेस क्या होता है एंड कितने दिन में ये आपको बेनिफिट्स दे सकेंगे। सो अंत तक वीडियो को देखते रहेगा। देखिए, ये कोलेस्ट्रॉल केयर जूस है, एक मेड इन इंडिया है, वेजिटेरियन है, किसी तरीके से आपको नुकसान नहीं होगा। काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है एंड काफ़ी अच्छे इसके रिजल्ट भी देखने को मिले। एक दो साल पहले शायद मैंने इसका वीडियो बनाया था, काफ़ी अच्छा लोगों को उसमें रेस्पॉन्स देखने को मिला था। ये एक जूस के फॉर्म में आपको मिल जाता है, कृष्णा कोलेस्ट्रॉल केयर के नाम प्रोवाइड हो गया। तो इन चीज़ों के लिए आपको हमेशा आयुर्वेदिक दवाई की तरफ ही जाना चाहिए क्योंकि इनमें थोड़ा लंबे समय तक दवाई चलती है। एलोपैथिक दवाई अगर आप शुगर शुरू करोगे तो मान लीजिए आप पूरा जीवन भर ही खाना पड़ेगा। आयुर्वेदिक में ऐसा है कि परमानेंट क्योर है, एलोपैथिक में कोई परमानेंट क्योर नहीं है, आपको आगे चलकर कहीं ना कहीं आपको दिक्कतें होनी शुरू हो जाएगी। एलोपैथिक में ऐसी दवाइयाँ जो होती है बहुत ही ज़्यादा बेकार काम करती है, कुछ समय तक तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देगी लेकिन आगे चलकर आपको नुकसान देना शुरू कर देते हैं। तो जानते हैं कोलेस्ट्रॉल केयर को कैसे लिया जाता है और इंग्रेडिएंट्स में क्या होते हैं। सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स में आपको देखने को मिल जाता है जिंजर, लेमन, गार्लिक, हनी, एप्पल साइडर विनेगर भी इसमें देखने को मिल जाता है। अब वो साथ में इसमें विटामिन ए होता है, सी होता है, कैल्शियम, प्रोटीन्स वगैरह भी इसमें मौजूद होता है। अब एप्पल साइडर विनेगर है तो कहीं ना कहीं आपके वेट को भी मैनेज करने में मदद करेगा एंड गार्लिक है तो आपके पेट को अच्छा रखेगा, जिंजर आपके बॉडी को अच्छा रखेगा, तो कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। बेसिकली कोलेस्ट्रॉल जैसे मैंने बताया है आपके ब्लड में वसा का जमना या फैट का जमना कंट्रोल करने के लिए आपको परहेज इसमें साथ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्पाइसी फूड, जंक फूड इनको बंद कर दीजिएगा, एक्सरसाइज अपनी बॉडी में ज़रूर लाइए, सुबह सुबह वॉक करना भी स्टार्ट आप कर सकते हो। देखिए कोलेस्ट्रॉल केयर का जूस का बेनिफिट्स क्या होता है। बेसिकली कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता ही करता है, साथ में हार्ट के लिए अच्छा होता है। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल नहीं है, आपको लग रहा है कि चलो हार्ट केयर के लिए हम यूज़ कर सकते हैं तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं क्योंकि आयुर्वेदिक है। एलोपैथिक में ऐसा नहीं होता है, एलोपैथिक दवाइयाँ जो होती है आपकी बीमारी के हिसाब से बनी होती है, भाई जब बीमारी है तभी खाओ वरना मत खाओ वरना आपको और नुकसान कर देगी। तो आयुर्वेदिक में ये चीज़ें नहीं होती है। साथ में दिल का दौरा पड़ सकता है कोलेस्ट्रॉल में एंड सीने में दर्द होना, एनजाइटी, घबराहट, ब्लड प्रेशर का हाई हो जाना, तो ऐसी कंडीशनों को कम करने में आप कोलेस्ट्रॉल केयर जूस का यूज़ कर सकते हैं। किसी तरीके से कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, एक्चुअली इसके रिजल्ट मिले हैं तो ही मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। लेने का तरीका क्या है, 30 ml सुबह शाम खाने से एक घंटा पहले आपने इसका यूज़ करना है बराबर पानी की मात्रा के साथ। 15 से 10 दिन में आपको रिजल्ट जो होगा इसका दिखना शुरू हो जाएगा कि आपके कोलेस्ट्रॉल में या आपको दिल की प्रॉब्लम में थोड़ा आराम मिलना शुरू हो जाएगा। अमेजोन फ्लिपकार्ट दोनों ही साइट से आप बाय कर सकते हो, लेकिन अमेजोन से आप अच्छी डील में इसको बाय कर सकते हो। एंड परहेज इसके साथ ज़रूर रखिएगा, स्पाइसी जंक फूड एंड एक्सरसाइज का तो बिल्कुल ध्यान रखना आपको ज़रूरी होता है। सो गाइस, ये था कुछ कृष्णा कोलेस्ट्रॉल केयर जूस के बारे में, या कहें तो आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए एक जूस के फॉर्म में जो दवाई आती है उसका आप यूज़ कर पाएंगे। सो उम्मीद करूँगा आज का वीडियो आपको पसंद आएगा, और वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर करें एंड कुछ भी डाउट्स हैं कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप पर हमें ज़रूर फॉलो करें, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।